हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 26 जनवरी 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम चलते हैं हमारी न्यूज डिस्कशन की तरफ। तो देखो, पहले तो देखते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस। देखो, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो टेलीग्राम पे अपना चैनल है वेलकम यूपीएससी से, वहां से आपको काफ़ी सारी चीज़ें लिंक वगैरह वो मिल जाती है। आप तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आपको क्वेश्चंस वगैरह भी और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है हिंदी इंग्लिश में वहाँ पे आपको प्रोवाइड है, वो करवाई जाती हैं। तो प्लीज़ आप उस चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो आप वहाँ पे उसको लाइक करके उसमें जो भी अपडेट वगैरह है वो डेली ले सकते हो। तो जो पहला क्वेश्चन है आज का है वो है कंसिडर द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज में। तो इसमें चार इंडस्ट्रीज दी गई हैं और आपको ये पूछा गया कि कौन सी है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी है आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपके सामने कॉटन टेक्सटाइल, दूसरा है फूड प्रोसेसिंग, तीसरा है वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, तो चौथा यहाँ पे लेदर इंडस्ट्रीज। तो देखो, एग्रीकल्चर की हम बात करें तो इसके अंदर कॉटन टेक्सटाइल भी आ जाता है, फूड प्रोसेसिंग भी आ गया, इसके साथ ही वेजिटेबल प्रोडक्ट्स भी आ गए, और लेदर इंडस्ट्री है यानी जो पशुपालन है उसी पर डिपेंड है वो करती है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है यहाँ पे कि आपको ये बताना है कि जो किन्हीं में से कौन सी जो डिजीज है वो खराब पानी पीने से होती है, मतलब साफ पानी अगर हम नहीं पी रहे हैं तो उससे कौन सी डिजीज हो सकती है। पहला ऑप्शन दिया गया है चिकनगुनिया, दूसरा दिया गया है डायरिया, तीसरा यहाँ पे दिया गया है कोलेरा, और चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है आपके सामने डायसेंट्री, यानी कि यहाँ पे बात की गई है इसकी पेचिस की। कोलेरा का मतलब होता है देखो हैजा, और चिकनगुनिया चिकनगुनिया होता ही है। डायरिया को नॉर्मली हम दस्त या लूज मोशन, और जो यहाँ पे लास्ट होगा वो क्या होगा, पेचिस। तो अब आपको बताना है कि कौन सी डिजीज है वो खराब पानी पीने से होती हैं। तो देखो, चिकनगुनिया वो तो आपको पता है मच्छर से होता है, इसका तो कोई लिंक देना यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि चिकनगुनिया तो पानी के खराब पीने से कोई लिंक नहीं है। तो इसका मतलब पहला हम एलिमिनेट करते हैं, अगर हम पहला एलिमिनेट करें तो हमारे पास वो ऑप्शन बच जाएगा ओनली बी, यानी कि 2, 3, 4 है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछा गया आपको कि जो कोस्टल एरिया है जैसे कि कोलकाता हुआ और मुंबई हुआ, इनमें एक्चुअली ह्यूमिडिटी है उसको देखा जाता है, इसी के साथ में यहाँ पे मॉडरेट वेदर है वो पाया जाता है, क्यों? इसके रीजन आपको बताने हैं। मतलब क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि कोस्टल एरिया जैसे कि मुंबई हो गया, यहाँ पे कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, इनमें ह्यूमिडिटी और जो मोदर जो वेदर है वो काफ़ी मॉडरेट टाइप का होता है, ऐसा क्यों होता है? पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया कि ड्यू टू देयर कॉन्टिनेंटी, मतलब वहाँ पे महाद्वीपीय एरिया काफ़ी ज़्यादा है, ज़मीनी एरिया काफ़ी ज़्यादा है इसलिए। तो देखो, पहला तो लॉजिक बिल्कुल गलत है कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। दूसरा कह रहा है कि ड्यू टू द फ्लोइंग ऑफ सी एंड लैंड ब्रिजेस। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि ड्यू टू देयर लो एवलेशन एंड कंपेयर द नियर बाई रीजन्स। तो देखो, ये तीसरा होगा। चौथा ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि ईस्टर्न साइक्लोनिक जो डिस्टर्बेंस होता है इसकी वजह से। अब देखो, हम बात करेंगे कि कोस्टल एरिया में ह्यूमिडिटी वगैरह का, कोस्टल एरिया में जो ह्यूमिडिटी वगैरह होती है इसका जो मॉडरेट वेदर होता है उसका कारण होता है बेसिकली कि जो आपको पता है कि रात को चलती है वहाँ पे रात को चलती हैं गर्म हवा, क्योंकि वो आती हैं सी साइड की तरफ से, और सर्दियों में सुबह का जो टाइम होता है उस टाइम पे चलती हैं वहाँ पे लैंड ब्रिजेस। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, उसकी वजह से वहाँ का मॉडर वो काफ़ी ह्यूमिड और वो हम बात करेंगे मॉडरेट टाइप का होता है। तो उसका सेकेंड ऑप्शन है या बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाता है। तो देखो, जैसे हम जानते हैं ज्योग्राफी में एक लॉजिक हमने काफ़ी बार पढ़ा है कि जो हवा है वो एक्चुअली जहाँ पे हाई प्रेशर होता है उसकी तरफ से फ्लो करती है लो प्रेशर की तरफ, और इसीलिए आपको पता है कि कोस्टल एरिया में क्या होता है, दिन के टाइम पे ठंडी हवाएं चलती हैं। दिन में होता क्या है, ज़मीन तो हो जाती है गर्म, तो ज़मीन में तो काफ़ी गर्मी हो गई, गर्म होने का मतलब क्या होगा, वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, और पानी के ऊपर क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसलिए जो हवा है वो पानी से, या हम बोल सकते हैं कि समुद्र से स्थल की तरफ बहेगी, तो वो हो गया उस कंडीशन में ठंडी हवा का हमें अनुभव होगा, क्योंकि जब हवा है वो पानी के ऊपर से फ्लो करती अगर लैंड की तरफ या ज़मीन की तरफ आ रही, इसका मतलब क्या होगा, उसमें ठंडी या नमी होगी, तो इसलिए वो ठंडी हवा चलती है। और वहीं उल्टा क्या होगा, रात को ज़मीन ज़्यादा ठंडी हो जाती है, इसका मतलब क्या हो गया, ज़मीन पे प्रेशर वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा ठंडी होगी इसका मतलब डेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी और प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। प्रेशर ज़्यादा होगा तो हवा रात को उल्टी फ्लो करती है, रात को जो हवा है वो फ्लो करती है कोस्टल एरिया में ज़मीन से पानी की तरफ, मतलब ज़मीन की तरफ से हवा चलती है और पानी की तरफ, तो ये लॉजिक है वो होता है। और मछुआरे जो बेसिकली सुबह सुबह जो मछलियाँ पकड़ने जाते हैं ना 3-4 बजे के टाइम पे, वो इसी हवा की वजह से जाते हैं ताकि वो आराम से मछली वगैरह पकड़ के लेके आ सकें। तो इसका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। तो जो पहला आर्टिकल है वो है यहाँ पे अमूल कैमल मिल्क को लेके। देखो, गुजरात की आपको पता है डेयरी है अमूल,
वो गुजरात जो कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड है उसने अभी अमूल मिल्क है, सो जो अमूल कैमल मिल्क है उसको स्टार्ट किया है, मतलब जो ऊँट का दूध है वो भी अभी एक तरीके से डेयरी पे प्रोवाइड है वो करवाया जाएगा। कहाँ कहाँ पे, कुछ कुछ एरिया में, जैसे कि गांधीनगर, अहमदाबाद और यहाँ पे गुजरात के कुछ कुछ कच्छ वाले एरिया में। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा क्या, क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं कि जो कैमल मिल्क होता है उसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट होते हैं। एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो कैमल मिल्क होता है इसमें विटामिन B1 यानी कि इसमें थायमिन है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारी डेली हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, वो यह इम्पोर्टेंट होता है। इसके साथ ही जो ऊँट का दूध होता है उसमें काफ़ी मतलब हेल्दी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए या फिर हमारे इम्यून जो सिस्टम है इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो करते हैं। तीसरी हम बात करें कि जो ऊँट का मिल्क होता है इसमें काफ़ी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी हेल्पफुल है वो रहता है। इसके साथ ही पोटेशियम और जो फास्फोरस है वो उसका भी काफ़ी अच्छा सोर्स होता है ऊँट का दूध। तो ये इसके कुछ फैक्ट हैं, और इसमें लो सोडियम डाइट होती है, इसके साथ इसमें कोलेस्ट्रॉल है वो भी बहुत कम होता है, और हम बात करें जो सैचुरेटेड फैट की वो भी काफ़ी कम मात्रा में होती है, तो मतलब काफ़ी हेल्दी ये दूध होता है। तो इसके कुछ फीचर्स हैं जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है नेशनल वोटर्स डे। देखो हर साल 25 जनवरी यानी कि कल है वो नेशनल वोटर्स डे था। अब है क्या नेशनल वोटर्स डे में, देखो ये जो नेशनल वोटर डे है ना ये 2011 से स्टार्ट किया गया था, जो हमारा आपको पता है इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा इसकी स्टार्टिंग है वो की गई थी। इसका मोटो ये रखा गया था कि भाई हमारे देश में जो वोटर्स है ना, जो लोग इलेक्शन के टाइम पे वोट करते हैं, मतलब जनता है वोट देने वाली, उसको एक तरीके से थोड़ा अवेयर किया जा सके, वो अपने जो वोट की वैल्यू है उसको समझ सकें, इसके साथ ही जो वोटिंग है रेशियो है उसमें अपना पार्टिसिपेशन है उसको सुनिश्चित कर सकें। इसके लिए वोटर्स के लिए उनको मतलब एक तरीके से प्रमोट कर दिया जा सके, इन सब के लिए नेशनल वोटर्स डे वो मनाया जाता है। इसकी देखो जो शुरुआत है वो जैसे मैंने आपको बताया था कि 2011 से स्टार्ट है वो की गई थी। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई हर साल आखिर 25 जनवरी को ही क्यों, देखो 25 जनवरी को इसलिए क्योंकि जो इलेक्शन कमीशनर है ना उसको 25 जनवरी 1950 को एक तरीके से स्थापित है, कॉन्स्टिट्यूट है वो किया गया था, और इसीलिए इसको 25 हर साल 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि नेशनल वोटर्स डे है वो कब मनाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है कलाम सेट V2। देखो अभी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे और जो हमारे साइंटिस्ट थे इसरो के पूर्व जिनका नाम था अब्दुल कलाम, उन्हीं के नाम पे एक कलाम सेटेलाइट है वो लॉन्च किया गया है। तो ये एक इसरो के अंडरी एक इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा बनाया गया, तो ये आपको ध्यान रखना कि पहली बार एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा कलाम सेटेलाइट बनाया गया है जिसको भी लॉन्च किया गया है। तो इसमें कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं, इसरो ने इसको बेसिकली लॉन्च किया है श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन से। आप ये बताइए कि जो श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन है वो है कहाँ, कौन से स्टेट में है और कौन से आइलैंड वगैरह पे है, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके साथ ही फीचर्स देखें इसके बारे में, जो कलाम सेट सेटेलाइट है V2 इसके बारे में, देखो यह जो सेटेलाइट है काफ़ी लाइट वेट का है, और ये जो इसरो के द्वारा पहली बार किसी प्राइवेट फर्म के द्वारा बनाया गया है बेसिकली, और इसको लॉन्च है वो इसरो के द्वारा किया गया है। इसका जो यूज है वो होगा हैम रेडियो। हैम रेडियो क्या होता है, देखो जो वॉकी टॉकी यूज करते हैं ना एक दूसरे, जब आपको ध्यान होगा कई बार पुलिस वगैरह जो यूज करती है वायरलेस वाला, उसको बोलते हैं हैम रेडियो। ये बेसिकली यूज की जाती है डिजास्टर मैनेजमेंट या फ्लड वगैरह आ जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि उस टाइम पे नॉर्मल जो हमारे फोन वगैरह काम नहीं करते हैं, उसमें उनका हैम रेडियो का यूज या ट्रांसमिशन का यूज किया जाता है। तो उसके लिए कलाम सेट सेटेलाइट 2 है ये लॉन्च है वो किया गया, मतलब कम्युनिकेशन सेटेलाइट है इसका छोटे टाइप का, जो कि हैम रेडियो ट्रांसमिशन के तौर पे काम करने वाला है, नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए इसका यूज है वो किया जाएगा। अब हम बात करें इसके बारे में कि किसके द्वारा बनाया गया है, तो एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है स्पेस किड्स इंडिया, जो कि चेन्नई बेस्ड है, ये जो एक एजुकेशन फर्म है उसके द्वारा इसको बनाया गया। ये याद रखने की जरूरत नहीं कि कितना टाइम वगैरह लगा, कितना पैसा वगैरह, ये ध्यान रखना कि जो पोलर सेटेलाइट लॉन्चिंग यानी कि PSLV है, 4 स्टेज का रॉकेट, उसके हेल्प से लॉन्च है वो किया गया था। इस जो एक क्लाम सेट V2 सेटेलाइट था इसके साथ एक सेटेलाइट और भी था जिसका नाम था माइक्रोसेट आर। तो देखो माइक्रोसेट आर में आपको ये ध्यान रखना है कि जो माइक्रोसेट आर सेटेलाइट है वो मिलिट्री यूज के लिए हैं, बस ये फैक्ट ध्यान रखना कि माइक्रोसेट आर सेटेलाइट मिलिट्री यूज के लिए लॉन्च है वो किया गया, तो ये फैक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है नाइट्रोजन पोल्यूशन को लेके। तो क्या है नाइट्रोजन पोल्यूशन वो देखते हैं। देखो जिस तरीके से हमने कार्बन डाई पोल्यूशन के बारे में या फिर और एयर पोल्यूशन हुआ, काफ़ी सारे पोल्यूशन के बारे में सुना है, अब यहाँ पे आई है नाइट्रोजन पोल्यूशन। क्योंकि देखो जब नाइट्रोजन भी एक लिमिट से ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट में हो जाती है कि एक कोई के साथ क्रिया कर लेती है तो उस कंडीशन में काफ़ी हानिकारक हो जाती है। आपको पता है कि हमारे एटमोसफियर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है वो पाई जाती है।
पर नाइट्रोजन का एक अहम फीचर क्या होती है कि एक एक्रिय गैस होती है, मतलब यह नॉर्मली किसी के साथ है वो क्रिया नहीं करती है, कुछ स्पेशल कंडीशन में जैसे कि हाई टेम्परेचर वगैरह हो उस कंडीशन में नाइट्रोजन किसी के साथ क्रिया है वो करती है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं या फिर जो इंसान है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन का कोई भी यूज नहीं कर सकते, इसकी हम जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि अपग्रेडेड फॉर्म होती है तभी उनका यूज है वो हम कर पाते हैं। पेड़ पौधे हैं वो भी डायरेक्टली नाइट्रोजन को एब्जॉर्व नहीं करते हैं, उनको भी नाइट्रोजन को इनडायरेक्टली रूप से एब्जॉर्व है वो करना होता है। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना है कि एक एक्रिय गैस है, निष्क्रिय होती है, ऐसा नहीं कि किसी के साथ जल्दी क्रिया कर ले। अब देखो क्या कि आज के टाइम पे काफ़ी सारी इंडस्ट्री हैं या फिर हम बात करें जो गाड़ियाँ वगैरह यूज की जाती हैं इनमें नाइट्रोजन का पोल्यूशन या नाइट्रोजन का एमिशन है वो होता है, और वो कहीं ना कहीं एक तरीके से काफ़ी प्रदूषणकारी या फिर काफ़ी खतरनाक साबित होता जा रहा है। देखो जब तक एक लिमिट तक नाइट्रोजन पोल्यूशन हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आज के टाइम पे जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही थी है, इसके साथ ही आप देखें तो जो नाइट्रोजन पोल्यूशन है या फिर जो नाइट्रोजन पोल्यूशन की बात करें जैसे कि जो N2O गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इनकी हेल्प से भी ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती जा रही है। और अभी जो कुछ डाटा है उससे पता चला है कि कार्बन डाइऑक्साइड से जितना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना उसकी कंपेरिजन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पे हम बस नाइट्रस जो ऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 300 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, मतलब उससे भी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए अहम जिम्मेदार है। तो इसीलिए इसको लेकर ये आर्टिकल है वह है। अभी कंटेक्स्ट ये आया था कि नाइट्रोजन पोल्यूशन की रिसर्च और स्टडी के लिए UK कुछ फर्म्स वगैरह उन्होंने पैसा वगैरह डिस्ट्रीब्यूट है वो किया है, तो कंटेक्स्ट तो कुछ खास नहीं है बट कुछ फैक्ट हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। देखो जो एक इंस्टीट्यूट है, एक जो हम बात करें एक रिसर्च प्रोग्राम है जो ये है, यह है कि साउथ एशियन नाइट्रोजन एक हब है, मतलब साउथ एशिया का एक हब एक ग्रुप बनाया गया है उसके द्वारा इसको भी अंजाम है वो दिया जाकर रिसर्च की जाएंगी कि भाई कैसे कैसे इससे हम निपट सकते हैं नाइट्रोजन पोल्यूशन से लेके। अब देखो कुछ आपको एग्जाम्पल बताऊँ कि नाइट्रोजन पोल्यूशन कैसे। देखो अगर जैसे कि पानी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या होगा, यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, और यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि पानी के अंदर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ कर लेंगे, मतलब जो नॉर्मल ग्रोथ होती है उससे भी ज़्यादा। अब आप देखिए अगर पानी की जी हो गया तालाब और ये होगी इसकी सतह, अगर सतह पे काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे हो गए, घास वगैरह उग गई, तो होगा क्या, पानी के अंदर जो नीचे जीव जंतु हैं या फिर नीचे जो प्लांट्स वगैरह वो तो खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ना तो हवा मिलेगी ना कुछ और मिलने वाला, इसलिए ये इसका ड्रॉबैक भी होता है कि काफ़ी अगर ज़्यादा व्यक्ति से नाइट्रोजन बढ़ जाती है वो काफ़ी जहरीली भी हो जाती है, और नीचे जो जमीन पानी के नीचे जो पेड़ पौधे होते हैं जो जीव जंतु होते हैं वो खत्म हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर वायुमंडल में नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ती जा रही है तो उसको ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ सकती है, तो काफ़ी ज़्यादा खतरे देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है बांदीपुर नेशनल पार्क को लेके। तो देखो बांदीपुर नेशनल पार्क की लोकेशन है वो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कहाँ पे इसकी लोकेशन है। बांदीपुर नेशनल पार्क है वो है कर्नाटका में। देखो आपको बताऊं कि एक सेकंड, जैसे ये है साउथ इंडिया का मैप, तो आपको पता है कि इस साइड हो गया तमिलनाडु, इधर हो गया ऐसे केरला, और फिर ऐसे ऐसे है ये हो गया यहाँ पे कर्नाटका का एरिया। तो इनका जो ट्राई जंक्शन वाला जो ये एरिया है ना, यहाँ पे हम बात करें तो ये इस एरिया के अंदर ही आता है। वैसे तो बांदीपुर नेशनल पार्क वो यहाँ पे एक सेंचुरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सोच रहे सॉरी एक बायोस्फीयर रिजर्व क्या है उसका नाम नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो केरला कर्नाटका और तमिलनाडु तीन स्टेट में फैला हुआ है इनके ज्वाइंट एरिया पे, और उसी जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है इसी के अंदर के बांदीपुर नेशनल पार्क है वो आता है। ये इफेक्ट हमें ध्यान में रखना है, और भी ऐसे जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं तो उन सबको आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर की हैं। देखो जो इन्वायरमेंट संबंधित काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं इसके साथ पॉलिटिकल लेक्चर्स हैं वो मैंने अनअकैडमी का एक कोर्स है जो कि मैंने फ्री क्रिएट किया था, वहाँ पे आप उनको देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो मिल जाएगा। तो उसका लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक जो टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आज आप देख लेना उस लिंक पे आप जाके, और वहाँ पे जो भी वीडियोज़ हैं वो सारी वीडियो देख सकते हो। काफ़ी सारे लगभग मैंने 60-70 वीडियो डाले हैं वहाँ पे, तो वो आपको देखने को मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर कुछ भी इश्यूज़ हो तो आप बेझिझक वहाँ से पूछ सकते हो। अब देखो जो बांदीपुर नेशनल पार्क है ना, इसके एक साइड तो बहती है कबिनी रिवर, तो आपको ध्यान रखें जो कबिनी रिवर है वो तो इसके बहती है नॉर्थ साइड में, और जो मोयार रिवर है वो इसके बहती है साउथ साइड में, और जो उसके बीचों बीच एक रिवर बहती है इसका नाम है नुगू रिवर। तो यह ध्यान रखें कि नुगू रिवर है वो बांदीपुर नेशनल पार्क से फ्लो है वो करती है। इसके साथ इसकी हाइएस्ट पीक है उसका नाम है यहाँ पे हिमावद गोपाला स्वामी बेटा। तो देखो ये तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रहने देना, बस ये रिवर देख लेना, UPSC पूछ लेते हैं कई बार कि वो कौन सा नेशनल पार्क है जिसके बीच में नुगू रिवर बहती है वगैरह वगैरह, इस तरीके से पूछती है तो हमें थोड़ा पता करना होता है।
और हम बात की नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है साउथ इंडिया में। और जो साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में जो जंगली हाथी हैं वो सबसे ज्यादा मात्रा में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में ही पाए जाते हैं। अब इसकी लोकेशन हम थोड़ी देखते हैं। देखो ये तो हो गया, आपको थोड़ा मैप बता दूं। ये देखो आपको लाइन दिख रही है रेड, ये तो बॉर्डर डिसाइड करी है। जैसे हम ऊपर वाला जो एरिया, एक सेकंड रुको मार्क कर लेता हूँ। ये जो एरिया है ये तो है कर्नाटका का एरिया, ये इधर है जो एरिया है ये हो गया केरला का, और ये यहाँ पे हो गया एरिया जो है ये तमिलनाडु का। तो यहाँ पे ट्राई जंक्शन पे है। अब देखो ये पूरा जो दिख रहा है आपको एरिया, ये सारा है यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। और यहाँ पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो एक सेकंड यहाँ पे इरेजर लेके आता हूँ पहले। हाँ एक सेकंड, ये तो देखो यहाँ पे आ गया राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो इसकी लोकेशन आपने देख ली कि राजीव गांधी नेशनल पार्क है, ये किसमें आता है, इसका कुछ एरिया केरला में भी आता है और कर्नाटका में भी है। इसके बाद में होगा बांदीपुर नेशनल पार्क या बांदीपुर टाइगर रिजर्व, तो ये आप देख सकते हो ये रहा यहाँ पे। इसके बाद में आता है मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी लोकेशन मुद्दुमलाई वाइल्ड। एक आती है यहाँ पे वेमनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आती है थोड़ी केरला में आती है मैक्सिमम हिस्सा, ये आप इसकी लोकेशन भी यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे आती है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होगी, नीलगिरी होगी इसी के साथ ही, एक सेकेंड, और ये रहेगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये आप देखिए ये होगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है केरला में। और जो यहाँ पे हम बात करें मुकुति नेशनल पार्क, ये रहा ये आप देख सकते हो, ये तमिलनाडु में आता है इसका कुछ हिस्सा और केरला में भी है। तो ये जो इंपॉर्टेंट की लोकेशन ध्यान रखना। अब हो सकता है यूपीएससी की बार नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करवा ले, जैसे कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करे तो पूछ ले कि बांदीपुर पूछ ले, वेमनाड पूछ ले, मुतुंगी पूछ ले या साइलेंट वैली, तो हमें सिक्वेंस थोड़ी पता होना चाहिए। तो जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर वो हमने यहाँ पे डिस्कस है वो कर ली है। अब हम इनको थोड़ा एक एक करके भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं। देखो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो नीलगिरी प्लेटू वाले हिस्से में और तमिलनाडु में, एरिया वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ड्राई डेसीडियस स्क्रब घास है वो पाई जाती है। यहाँ के जो प्लांट्स हैं एनिमल वो देख लेते हैं, इससे एलिफेंट पाया जाता है, सांभर, गोर, इंडियन ग्रेंट, यहाँ पे जो गेंट स्क्वायर है वो पाई जाती है, नीलगिरी लंगूर है, जो बोनेट मकाऊ, ये ध्यान रखना कि बोनेट मकाऊ ये यूपीएससी पूछ सकती है। बोनेट मकाऊ कहाँ पाए जाते हैं, साउथ इंडिया में, ध्यान रखना कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वाले एरिया में। फिर हम बात करते हैं बांदीपुर, जो बांदीपुर नेशनल पार्क है वो ईस्ट और वेस्टर्न घाट वाले एरिया पे मिक्स करता है। फिर आपको पता है कि नीलगिरी वाली पहाड़ियाँ वहाँ पे ईस्टर्न घाट भी आके मिलता है। इसके साथ ही यहाँ पे मोस्ट डेसीडियस और जो स्क्रब घास है वो पाई जाती है। एनिमल की बात करें तो एलिफेंट हुआ, घोर हुआ, सांबर हुआ, यहाँ पे बार्किंग डियर हुआ, इसके साथ शोथ बियर हुआ, जेकल हुआ, वाइल्ड बोर हुआ, उस मालाबार स्क्वायर हुआ, तो ये चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। अब हम बात करें यहाँ पे मुकुर्ति नेशनल पार्क, जो मुकुर्ति नेशनल पार्क है ये आता है तमिलनाडु में और नीलगिरी प्लेटू में, और यहाँ पे घास वो पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे मुकुर्ति नेशनल पार्क है, वो इंपॉर्टेंट है नीलगिरी तहर, जो कि तमिलनाडु का एक स्टेट एनिमल है, और इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस भी आते हैं। आप ये बताइए जो नीलगिरी तहर, इसको IUCN में कौन सी लिस्ट में डाला गया, मतलब IUCN की कौन सी प्रोटेक्शन लिस्ट में इसको रखा गया है। अब हम और देखते हैं जो तीन और हैं, एक यहाँ पे आ गया नागरहोल। नागरहोल नेशनल पार्क है, इसका दूसरा नाम है राजीव गांधी नेशनल पार्क, जो कि आता है कर्नाटका में। और अब यहाँ पे एनिमल की बात करते हो, यहाँ पे एलिफेंट पाया जाता है, सांभर हुआ, टाइगर हुआ, लेपर्ड हुआ और वाइल्ड डॉग, तो इसमें तो कुछ खास नहीं है, बस नॉर्मल आप फैक्ट ध्यान में रखना कि है कहाँ पे। अब हम बात करें वेमनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आती है केरला में, और यहाँ पे मोस्ट ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसमें एलिफेंट, सांबर, चीतल, टाइगर, वाइल्ड डॉग, लेपर्ड हुआ, इसके साथ ही फ्रेश फिश हो गई, वो भी यहाँ पे पाई जाती है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वो आता है केरला में, और यहाँ पे एवरग्रीन घास के मैदान है वो पाए जाते हैं। तो यह ध्यान रखना, ये थोड़ा अलग है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क में एवरग्रीन ग्रासलैंड है वो पाए जाते हैं, और यहाँ पे स्पीसीज भी इंपॉर्टेंट है कि लाइन टेल मकाऊ पाया जाता है, नीलगिरी जो मार्टिन है वो पाया जाता है, और नीलगिरी तहर भी यहाँ पे पाई जाती है। तो यह कुछ फैक्ट ध्यान में रखने हैं। लॉन्ग टेल मकाऊ कहाँ पाया जाता है यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कुछ हमने जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था इसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क थे उनको हमने यहाँ पे कवर किया है। लास्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। कंटेक्स्ट अभी आया है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना वो जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है ना इनके लिए काफ़ी अच्छी मात्रा में फंड है वो प्रोवाइड करवा रही है ग्लोबल लेवल पे। इंडिया की हम बात करें कि ग्लोबल लेवल पे जो फंड प्रोवाइड करवा जा रहा है जो ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है इनकी रिसर्च के लिए, तो वो फोर्थ नंबर पे, मतलब इंडिया फोर्थ नंबर का लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है
जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज होती हैं, इनसे निपटने के लिए जो रिसर्च होती है उसके लिए पैसे में। नंबर वन पे बात करते हुए यूएस, यूएस लगभग हर साल 1,595 मिलियन यूएस डॉलर है वो पैसा देता है, किस लिए, ताकि जो ट्रॉपिकल जो नेग्लेक्टेड डिजीज हैं इनके ऊपर रिसर्च वगैरह है वो डेवलपमेंट वो की जा सके। इंडिया है वो पैसे देता है लगभग 72 मिलियन यूएस डॉलर। देखो डाटा रटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा ये ध्यान रख लेना कि इंडिया भाई ठीक ठाक काम कर रहा है वगैरह। अब यहाँ पे चीज़ क्या आई, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज यानी कि उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग। देखो उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग होते क्या हैं, ये वो रोग होते हैं, वो डिजीज होती हैं जो कि गरीबी हुई या फिर जैसे वहाँ पे फैसिलिटी पूरी नहीं मिल रही है उन सिचुएशन में जो बीमारियाँ होती हैं जिनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं उनसे ये बीमारियाँ सामने आती हैं। और ये काफ़ी अहम जो गरीब कंट्रीज होती हैं वहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में डिजीज पाई भी जाती हैं। और मैंने इसके बारे में जो हमारा टेलीग्राम पे चैनल है वेलकम यूपीसी उसके ऊपर इसके बारे में डिटेल भी डाली थी शाम को, तो वहाँ से भी आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल देख सकते हो कि जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज हैं वो क्या होती हैं। ये बेसिकली जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं गरीब कंट्रीज होती हैं, जैसे कि हम बात करें साउथ एशिया की कुछ कंट्रीज आ जाती हैं, इसके साथ अफ्रीका की कुछ कंट्रीज हैं, वहाँ पे क्या होता है कि साफ सफाई पे फोकस नहीं किया जाता है, खाना पीना प्रॉपर नहीं हो पाता है, इसके साथ ही वहाँ मौसम ऐसा होता है मच्छर वगैरह होते हैं, तो उस कंडीशन में जो डिजीज हो जाती हैं वो होती हैं नेग्लेक्टेड, मतलब उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है एक तरीके से, तो उन डिजीज की बात यहाँ पे की गई है। तो ये था हमारी आज की कंप्लीट डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। जो PDF वगैरह है मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेलकम UPSC के चैनल से आप डाउनलोड है वो कर सकते हो। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।